आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर ट्रांसमिशन लाइन पे बर्फ जम जाती है, जैसे कि ठंडे इलाकों में बर्फ जम जाती है ट्रांसमिशन लाइन पे, उसको कैसे हटाते हैं क्योंकि काफी हाइट पे होती है वो, जैसे कि काइट यानी कि पतंग और पैरासूट और भी कैसे बलून वगैरह, ये सारी चीजें अगर ट्रांसमिशन लाइन पे फंस जाती हैं तो उनको कैसे हटाते हैं। और आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो पहली चीज पे बात करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन पे जो बर्फ जम जाती है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो उससे नुकसान होता है, पहली चीज इफिशियंसी खत्म हो जाती है, दूसरी चीज कोरोजन का खतरा बढ़ता है, तीसरी चीज ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप बहुत ज्यादा होने लगता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वहां पे किसी पर्सन को भेजना तो ठीक नहीं होगा। तो वहां पे बर्फ को हटाने के लिए एक फायर ड्रोन का यूज किया जाता है, जिसमें फ्यूल टैंक अपना खुद का लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वहां पे वो फायर जनरेट करता है। सो ड्रोन क्या करता है, जब दो वायर को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज करते हैं तो उस पे भी एक इंसुलेटर लगा हुआ होता है। सो उसको भी रिमूव कराने के लिए इस ड्रोन का यूज किया जाता है, बाकी जो आइस वगैरह इन सबको हटाने के लिए यूज किया जाता है। सो दूसरी चीज हम बात करेंगे, अगर कोई काइट या फिर कोई बलून उस पे फंस गया तो उसको कैसे हटाते हैं और क्यों हटाते हैं, हटाना क्यों जरूरी है। तो पहली चीज, जब ट्रांसमिशन लाइन पे काइट या फिर बलून फंसा हुआ होगा सो उसको पाथ मिल जाएगा चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो बलून नीचे आके किसी ह्यूमन पे गिरता है यानी किसी इंसान पे गिरता है तो उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वो चार्ज होगा और पहले वो अर्थ को टच नहीं करेगा। अगर वो डायरेक्ट किसी इंसान पे अगर गिरता है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए एयरक्राफ्ट फायर ड्रोन का यूज किया जाता है। इनकी वजह से क्या किया जाता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी ऐसी चीज फंसी हुई है, बलून या फिर पैरासूट या फिर कोई काइट, तो इन सबको हटाने के लिए फायर ड्रोन का यूज किया जाता है। फायर ड्रोन क्या करता है, फायर से उसको वहीं पे बर्न कर देता है। जब वहीं पे ये चीजें बर्न हो जाती हैं तो उससे जो खतरा है वो काफी टल जाता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए।